हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम देख रहे थे, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। पार्ट फोर में हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें ये हमारा जो है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन हम इसे मान लेते हैं, और ये हमारा हो गया जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि कुछ इस शेप का है। ठीक है, ये हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका डायमेंशन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी यू, वाई के डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी वी, और जेड के डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी दैट इज डब्ल्यू। क्लियर। अब जो हमारा x है, हमने जो फ्लूइड कंसीडर किया है उसका जो लेंथ है, दिस इज डी एक्स, दिस इज डी वाई, एंड दिस इज डी जेड। एक्स डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है इसलिए हम उसे डिस्टेंस को एक्स वाई और जेड नहीं ले रहे हैं, हम उसको डी एक्स डी वाई और डी जेड ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो एलिमेंट है, ये हमने एक फ्लूइड का एक एलिमेंट कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल कहीं से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसमें से हमने एक पार्ट फ्लूइड का निकाल के बाहर रख लिया, वही है यहाँ। अगर हम इसको प्रूव कर दें, कंटिन्यूटी इक्वेशन इसके लिए प्रूव कर दें, तो होल के लिए क्या करेंगे, जो हमारा आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पाइप के लिए निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ का आप प्रूफ करते हो तो उसका एक स्मॉल पार्ट को आप कट कर लेते हो, उसके उस पर स्टडी करते हो, उस पर स्टडी करते हो, जब उसका स्टडी कंप्लीट हो जाता है तब आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो, तो वो पूरे एलिमेंट्स के लिए निकल आता है, पूरे सिस्टम के लिए निकल आता है। सेम टू सेम हम यहीं यहाँ भी वही करने जा रहे हैं। जैसे हमने वन डायमेंशन में किया था, मास ऑफ फ्लूइड हमारा एंटर हुआ था और कितना लीव हुआ था, कितना हमारा अंदर बचा हुआ है, मास ऑफ एलिमेंट कितना, एलिमेंट का क्या मास है, फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया और हमने प्रूफ कर दिया। सेम टू सेम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं, लेट यू वी एंड डब्ल्यू आर द इनलेट वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, u, v और w क्या है, हमारा वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ x, y और z के। अब हम स्टार्ट करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट कितना a, b, c, d से, कितना मास ऑफ फ्लूइड हमारा एंटर कर रहा है इन द फेस a, b, c, d, a, b, c, d, इस फेस से हमारा कितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है। तो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन द फेस ए बी सी डी पर सेकेंड कितना एंटर कर रहा है, इट इज रो इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू एरिया ऑफ फेस। ठीक है, ये हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, कितना मास ऑफ फ्लूइड हमारा एंटर हो रहा है इन द फेस दिस में, इसके लिए डेंसिटी जो फ्लूइड का इंटू वेलोसिटी इन जिस डायरेक्शन में हम फ्लो एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड द एरिया ऑफ फेस, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारा फ्लूइड, जिस फेस से हमारा फ्लूइड एंटर हो रहा है।
तो क्या हो जाएगा, रो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू इंटू एरिया क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड, डी वाई इंटू डी जेड ही होगा ना एरिया, डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन द फेस ए बी सी डी से हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द फेस ई एफ जी एस, ई एफ जी एच से कितना मास ऑफ फ्लूइड हमारा बाहर आ रहा है, दैट इज रो यू, सेम लिख लें इसको, डी वाई और डी जेड ये तो सेम होगा, प्लस जितना यहाँ से यहाँ तक जितना ट्रेवल कर रहा है उतना का मीन्स डेल अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, जिस फेस से एंटर हो रहा है और जिस फेस से लीव हो रहा है, इट इज डी एक्स, उसके रिस्पेक्ट में डी एक्स जितना है रो यू डी वाई डी जेड और डिस्टेंस कितना है डी एक्स। ठीक है, इतना ही होता है ना। अब हम देखते हैं देयरफॉर गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ एंटरिंग माइनस मास ऑफ लीविंग, जितना मास ऑफ फ्लूइड हमारा एंटर हुआ है माइनस मास ऑफ फ्लूइड लीविंग इन द फेस ई एफ जी एस से, तो हमारा फ्लूइड इस एलिमेंट में कितना है हमें पता चल जाएगा। तो मास ऑफ फ्लूइड एंटर जो हुआ था कितना था, रो यू डी वाई और डी जेड माइनस मास ऑफ लीविंग दैट इज रो यू डी वाई डी जेड प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स, इससे ये कैंसिल, अब बचेगा हमारा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डी वाई डी एक्स डी जेड, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब ये जो हमारा आया है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारा आया है ये है इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन में हमारा जो इंक्रीज इन मास ऑफ फ्लूइड एट एलिमेंट जो है हमारा इतना है। ठीक है, अब सेम टू सेम y डायरेक्शन में कितना होगा और z डायरेक्शन में कितना होगा देख लें। सिमिलरली द नेट गेन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल y रो v डी एक्स डी वाई डी जेड, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। एंड इन z डायरेक्शन, क्योंकि हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में नेट गेन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी जेड, वाई की जगह जेड हो गया, रो वी सिमिलरली डी एक्स डी वाई और डी जेड सेम टू सेम जैसा इक्वेशन वन में आया था। एक्स डायरेक्शन में यहाँ एक्स था बाकी सेम था, वाई डायरेक्शन में यहाँ वाई आ गया बाकी सेम है, जेड डायरेक्शन में यहाँ जेड आ गया बाकी सेम है, तो इक्वेशन वन था सेम टू सेम ये हो गया। ठीक है, देयरफॉर नेट गेन ऑफ मासेस, अब इन द इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इन डायरेक्शन ऑफ वाई इन डायरेक्शन ऑफ जेड, ये तीनों डायरेक्शन में हमने निकाल लिया, तो अब हम निकालेंगे नेट गेन ऑफ मासेस कितना हुआ, दैट इज तीनों को प्लस कर देंगे तो कॉमन करोगे तो आप कुछ ऐसा आएगा डेल अपॉन डेल वाई। एक मिनट, यहाँ एक गलती हुआ है, गलती ये हुआ है कि जब हम y डायरेक्शन ले रहे हैं तो हम यहाँ v नहीं, यहाँ v लिखेंगे, यस यहाँ पे हम v लिखेंगे, बट इन z डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी w माना था ना, तो यहाँ पे w लिखेंगे ना, ये मिस्टेक यहाँ पे हो रहा था। इक्वेशन वन में हमने u लिखा होगा, हाँ इक्वेशन वन में हमने u लिखा है, u v w, ऐसी गलती आप मत करना। ठीक है, u v प्लस डेल अपॉन जेड के साथ रो वेलोसिटी w था और ये हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब हमने तीनों डायरेक्शन का जो नेट मास गेन हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इन डायरेक्शन ऑफ वाई इन डायरेक्शन ऑफ जेड तीनों का हमने नेट निकाल लिया, इसका हम देते हैं इक्वेशन नंबर फोर, इट्स इक्वेशन नंबर फोर। ओके, अब जैसे हमने
वन डायमेंशन कंटिन्यूटी इक्वेशन में किया था कि हमने एलिमेंट का मास देखा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्लूइड यहाँ पे एंटर हो रहा है. अब जैसे जैसे फ्लूइड इसके अंदर एंटर हो रहा है, इस पहले इस एलिमेंट का मास कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा इस एलिमेंट का मास जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया. अब जैसे फ्लूइड एंटर हो रहा है, हर एक टाइम पे फ्लूइड का ये भरता जाएगा, भरता जाएगा, हर एक टाइम पे क्या होगा, हमारा एलिमेंट का मास भी चेंज होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पहले फ्लूइड हमारा इतना भरा, फिर इतना भरा, फिर इतना भरा, फिर इतना भरा, फिर इतना बाहर निकल रहा है. तो जैस पर्टिकुलर पर टाइम पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या हो रहा है, हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया है उसका मास भी चेंज हो रहा है. तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, देयरफॉर द मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट is rho dx dy dz and its rate of increase with respect to time is del upon del t rho dx dy and dz, ठीक है. नाउ ये हमारे इक्वेशन हो गए, इक्वेशन नंबर 5. इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू, वेलोसिटी डब्ल्यू था इन डायरेक्शन ऑफ जेड के, इज इक्वल टू कितना कितना, अब देखो ये डी एक्स डी वाई डी जेड यहाँ भी है, डी एक्स डी वाई डी जेड यहाँ भी है. तो हमने डायरेक्ट इसको कट करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, ठीक है. अब ये किसके इक्वल हो गया हमारा, जब हमने डी एक्स डी वाई डी जेड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा डेल रो अपॉन डेल टी, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये जितना माइनस वाला टर्म है ना सबको इधर की ओर कर देते हैं, तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. अब देखो ये हो गया हमारा एक्चुअल कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन, इक्वेशन 6, ठीक है. बट फॉर स्टडी फ्लो, जब हम स्टडी फ्लो की बात करते हैं तो स्टडी फ्लो में क्या हम बात करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूरे पैरामीटर्स, फ्लूइड के पूरे पैरामीटर्स, वेलोसिटी हो, प्रेशर हो, डेंसिटी हो, कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, जीरो हो जाता है. जब हमारा जीरो हो जाएगा फॉर स्टडी फ्लो, जब जीरो हो जाएगा स्टडी फ्लो के लिए, तब हमारा डेल ये रो है ना, नॉट पी, इट्स रो, डेंसिटी है ना, तो डेल रो, ठीक है. तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा फॉर स्टडी फ्लो के लिए, ठीक है. और हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी पढ़ते हैं, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल रो इज कॉन्स्टेंट, जितने रो हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए. Therefore, जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन फिर बनेगा फॉर स्टडी फ्लो के लिए और फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, डेल रो कॉन्स्टेंट है, रो हट जाएगा तीनों तरफ से, तो बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो. तो ये हमारा हुआ थ्री डायमेंशन के लिए, ठीक है. अब आपसे कोई पूछ दे टू डायमेंशन के लिए क्या होगा, तो टू डायमेंशन के लिए मतलब एक्स और वाई, मींस टू डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो. ये हो गया हमारा टू डायमेंशन के लिए. थ्री डायमेंशन के लिए डेल यू डेल वी और डेल डब्ल्यू ले रहे हैं, वन डायरेक्शन के लिए सिर्फ ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू आया था हमारा, ठीक है, ऐसा चलता है.
तो आई थिंक आपको ये पूरा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने चलो एक बार देख लेते हैं किया क्या हमने यहाँ पे। मास ऑफ फ्लूइड जितना हमारा एंटर हो रहा है इस एलिमेंट से ए बी सी डी से, हमने वो लिखा। मास ऑफ फ्लूइड हमारा जितना लीव हो रहा है इस एलिमेंट से ई एफ जी एस से निकल रहा है, हमने वो लिखा। हमने गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ एक्स डायरेक्शन की ओर दिखा रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कितना हमारा इंक्रीज हुआ, दैट इज मास ऑफ एंटरिंग माइनस मास ऑफ लीविंग ऑफ फ्लूइड, हमने उससे इक्वेशन निकाल लिया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली हमने वाई डायरेक्शन के लिए भी निकाल लिया और जेड डायरेक्शन के लिए भी निकाल लिया मास ऑफ फ्लूइड। अब हम तीनों जब हमारा निकल गया तो नेट गेन ऑफ मास हमारा क्या होगा, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। अब हम जानते हैं जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया उसका मास कुछ कितना है, रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, एरिया हो जाएगा ना, एरिया इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है। डी एक्स और डी वाई मिलके एरिया और ये जेड डायरेक्शन ऑफ जेड, और ऐसे मान लें रो इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमारा मास ऑफ फ्लूइड हो गया ऑफ एलिमेंट का जो हमने कंसिडर किया। अब कि जैसे जैसे फ्लूइड हमारा उसके अंदर भरता जाएगा उसका इंक्रीज होता जाएगा मास, तो जब मास इंक्रीज होता जाएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल अप ऑन डेल टी हमने ये लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन जो नेट मास गेन चेंज हुआ है इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को इक्वेट किया और ये इक्वेशन बनाया। अब इस इक्वेशन हमारा जो ये एक्चुअल कंटिन्यूटी इक्वेशन आया, अब फॉर स्टडी फ्लो के लिए और फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए हमारे जो फ्लूइड के पैरामीटर होते हैं इट इज वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑलवेज जीरो, तो इसे हमने जीरो पुट कर दिया। और फॉर इनकम्प्रेसिबल के लिए हम जानते हैं फ्लूइड के लिए हमारा जो डेंसिटी होता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, तो जितनी डेंसिटी वो कॉन्स्टेंट होगा तो बचा क्या हमारा डेल अपॉन डेल यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा जो है ये थ्री डायमेंशन के लिए, और टू डायमेंशन के लिए हमने सिर्फ दो टर्म को कंसिडर किया, दो पैरामीटर्स को कंसिडर किया, तो ये हमारा टू डायमेंशन के लिए हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट।